डोंगरी डोंगरी का रोड शो। अरे यार क्या बात है, एक शाहरुख खान का ना वीडियो था, शाहरुख खान सर का एक वीडियो था जिसमें वो गाड़ी से बाहर निकलते, वैसा फील दिया है मुनावर ने। तो दोस्तों मिस्टर फैजु मुनावर फारूकी के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोले कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा भाई मुनावर फारूकी बिग बॉस 16 का विनर बना, और मैं शौक हूँ मुनावर फारूकी के फैंस को देखकर जिस लेवल पर डोंगरी के अंदर मुनावर फारूकी की जनता ही, तो उसको देखकर मैं हैरान हूँ। और मिस्टर फैजु ने बताया उनके हिसाब से टॉप 3 में कौन होना चाहिए थे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिस्टर फैजु ने मुनावर फारूकी के बारे में कुछ ये बोले जिसके आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। भाई रुको रुको एक मिनट, कुछ सवाल थे हमारे मुन्ना भैया के, मुन्ना भैया के सवाल है। बहुत खुश उसके लिए और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जीत गया, वो डिजर्विंग भी था और उसकी जर्नी भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैं यही कहूँगा यार, अपना भाई जीत गया, जिस दिन जीता मैं तो उसी दिन गया था मिलने के लिए, मिले थे। बट ऑल द बेस्ट आगे के लिए मुन्ना, और आप लोग डराया मत करो ऐसा अचानक से करके। भाई अंकिता लोखंडे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई वो भी अच्छी थी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डिजर्विंग थी, बट नसीब नसीब की बात होती है, हर कोई तो नहीं जीतेगा, एक ही जीतेगा। पर सबको लगता था कि टॉप में आ सकते हैं। हाँ टॉप, हाँ वो मुझे भी थोड़ा शॉकिंग लगा, मुझे भी लगा कि हाँ मनारा रह गई और अंकिता निकल गई पहले, वो सभी को शॉकिंग लगा, बट ठीक है ओके, जो है वो है, वो गेम है। तो कल के रोड शो के बारे में क्या कहना चाहूंगा? भाई मुझे नहीं पता कौन सा मुन्ना भाई का, डोंगरी डोंगरी का रोड शो। अरे यार क्या बात है, अलग ही शोर था, मजा आ गई देख के, बहुत अच्छा लगा। और एक शाहरुख खान का ना वीडियो था, शाहरुख खान सर का एक वीडियो था जिसमें वो गाड़ी से बाहर निकलते, वैसा फील दिया है मुनावर ने यार, मुनावर एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं गाइस। ऑल द बेस्ट भाई, चलो थैंक यू भाई।